सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ये भी हमारा स्लाविया के ऊपर रहने वाला है। स्कोडा की नई लॉन्चिंग है एंड यहाँ पर आप जो कार देख रहे हो ये इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट है स्टाइल वाला। इससे पहले भी हमने वही करा था लेकिन वहाँ पर हमने इसका 1.5 लीटर इंजन ऑप्शन कवर करा था और ये है इसका 1 लीटर का TSI मैनुअल वेरिएंट। तो आज का जो व्लॉग है इसी के ऊपर रहने वाला है कि क्या क्या फीचर्स हमको प्रोवाइड करा रहा है एंड कितनी गाड़ी कंफर्टेबल है और सबसे मेन चीज़ क्या ये गाड़ी वरना और सिटी को टक्कर दे पा रही है नहीं दे पा रही है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग और सबसे पहले आपको मैं कार का फुल यहाँ पे लुक चेकआउट करना चाहूँगा। तो एक बार कार का लुक फ्रंट से चेकआउट करो, कितना वाइड और कितना स्पेशियस यहाँ पे गाड़ी लग रही है। कैंडी वाइट कलर में कार हमारे सामने खड़ी है। इससे पहले हमने इसको क्रिस्टल ब्लू कलर में कवर किया था और जैसा कैंडी वाइट कलर है ये भी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड फ्रंट से पूरा यहाँ पे ड्यूल टोन वाला लुक आ रहा है। और अगर मैं यहाँ से गाड़ी की चौड़ाई की बात करता हूँ कि गाड़ी कितनी वाइड है तो हमको यहाँ पे मिल जाती है 1.7 मीटर की विड्थ और काफ़ी चौड़ी है गाड़ी है तो अंदर काफ़ी अच्छी स्पेस होने वाली है। एंड सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी फ्रंट लुक की बात करते हैं। जो फ्रंट का लुक है बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे इसकी ग्रिल में आपको यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा इस तरीके से एंड आगे आपको प्लास्टिक में यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी। पीछे आपको प्लास्टिक एलिमेंट मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर यहाँ पर जो देख रहे हो इसकी ऑरेंज की प्लेसमेंट है काफ़ी अच्छे तरीके से कवर अप कर रखे हैं ताकि जो लुक है बिल्कुल भी ख़राब ना हो और इस तरीके से इसका आपको पूरा रेडिएटर यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे इसकी आपको हनी क्रोम ग्रिल मिल जाती है। तो जो ओवरऑल यहाँ पे फ्रंट का जो लुक है काफ़ी बेटर बन रहा है। लाइट्स की हमें बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाएंगे और ये आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है इस तरीके से एंड यहाँ पर इसके DRLs LED में और टर्न इंडिकेटर और जो फॉग लैंप है वो आपको हेलोजन में मिल जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं मेरे को यही लग रहा था यार कि जो वेरिएंट है अगर अपने टॉप एंड वेरिएंट्स में ये सब चीज़ आपको LED में मिल जाती है तो काफ़ी बेटर रहता और स्मोकी फिनिश भी यहाँ पर आ रहा है तो लुक जो है बहुत आपको बेटर मिलेगा। अगर आप इसके हुड में देखते हैं तो काफ़ी शार्प मार्जिन्स आपको मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको स्कोडा का लोगो मिल जाएगा ग्लॉस ब्लैक और क्रोम ट्रीटमेंट में इस तरीके से और जो शार्प मार्जिन्स है उसकी वजह से जो कार है काफ़ी आपको अच्छी लग रही है। दोस्तों हम आ रहे हैं ये व्लॉग और ये वीडियो को शूट करने के लिए स्कोडा DPM में और ये जो शोरूम है देहरादून में है। तो अगर आप देहरादून से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर बुकिंग चालू हो गई है। आप यहाँ से कुशैक कोडैक और स्लाविया इनकी स्कोडा की सारी कार्स यहाँ से परचेज कर सकते हो। इनका जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। एंड अब बात करते हैं यहाँ से इस कार की कीज़ की। तो हमें यहाँ पे दो रिमोट कीज़ मिल जाती हैं इस तरीके से एंड यहाँ पर हमें फ्लिप की वाला ऑप्शन मिलता है और कार के अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है लेकिन फिर भी इसके अंदर फ्लिप की वाला आपको ऑप्शन मिलेगा। दो आपको हमें बटन मिल जाते हैं लॉकर अनलॉक करने के लिए, एक आपको मिल जाएगा बूट ओपन करने के लिए। तो इस तरीके से पूरी आपको कीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं और कीज़ भी काफ़ी इसकी अच्छी है, गुड लुकिंग है और काफ़ी फील आपको अच्छा आएगा उसे पकड़ने में। तो जो फ्रंट का लुक है कुछ इस तरीके से पूरा यहाँ पे बन रहा है। अब स्ट्रेट अवे बात करते हैं इसके इंजन की क्योंकि वो एक मेन चीज़ है। यहाँ पे 1 लीटर वाले इंजन कवर कर रहे हैं तो इसका हम यहाँ पे हुड को ओपन करते हैं। तो दोस्तों ये इसका पूरा इस तरीके से इंजन की पूरी प्लेसमेंट रखी गई है और देखने में ये सेम आपका पोलो जैसा मिलेगा या फिर स्कोडा की कुशैक की बात करो या फिर आप बात करोगे ये वॉक्सवैगन की टाइगन की जिसमें आपको 1 लीटर वाला ऑप्शन मिलता है। तो जो भी जितनी भी ये गाड़ियां हैं ये बेसिकली सारा का सारा प्लेटफॉर्म सेम शेयर कर रही हैं, AQBMOIN प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से पूरा हमें बनाया गया है और काफ़ी ये माइलेज एफिशिएंट है। एंड ये जो इंजन है ये मोर प्रोबेबली आपको ज़्यादा आपको माइलेज की तरफ पुश करेगा एज़ कम्पेयर टू ये पावर, लेकिन फिर भी जो पावर फिगर से बिल्कुल भी कम नहीं है 1 लीटर इंजन ऑप्शन की। यहाँ पर आपको मिल जाती है 115 की BHP और 175 Nm का टॉर्क, तो काफ़ी आपको अच्छी पावर मिल जाएगी। माइलेज की बात करूँ तो कंपनी से कोई भी ऑफिशियली माइलेज क्लेम नहीं आ रखा है लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि 16 से 17 का माइलेज आप अपने हाईवेज़ में आराम से यहाँ पर आप निकाल लेंगे और ऊपर आपको कोई भी इसमें इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलता है और पीछे आपको इंसुलेशन मिल जाएगा पूरा। टर्बो की प्लेसमेंट TSI ये इंजन है एंड इसको बंद करते हैं। तो दोस्तों जो फ्रंट का लुक है कुछ इस तरीके से कंप्लीट आपको मिलेगा। अब हम यहीं से साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। तो आप साइड प्रोफाइल से कार को चेकआउट करो। कार अपने सेगमेंट में सबसे लंबी है और 4.5 मीटर इसकी यहाँ पे पूरी ओवरऑल लेंथ रखी गई है, 1.4 मीटर इसकी हाइट रखी गई है, तो हाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है। और अगर मैं व्हील बेस की बात करता हूँ तो 188 mm गाड़ी का व्हील बेस है। तो इसमें आप छोटे मोटे गड्ढों की बिल्कुल टेंशन मत लो, मतलब एक सेडान के अंदर इतनी बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस देना काफ़ी बड़ी बात है। व्हील बेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 2.6 मीटर का व्हील बेस मिल जाता है, तो कार के अंदर स्पेसिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। चाहे मैं पीछे वाली रो की बात करूँ फ्रंट रो की बात करूँ तो स्पेसिंग भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डायमेंशंस है इसमें ये गाड़ी सिटी और वरना से काफ़ी आगे निकल कर आ जाती है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ में क्या अच्छी लगी है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस मिल जाते हैं तो साइड लुक में पूरा पूरा डोमिनेट करती है वरना और सिटी को। दो आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएंगे ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए। क्रोम ट्रीटमेंट आपको इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी जो पूरा कवर अप हो रखा है ये ग्लॉस ब्लैक कलर में मिलता है आपको, तो जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी बेटर मिल जाएगी। एंड जो क्रोम ट्रीटमेंट है ये फ्रंट के विंडो से लेके पीछे के क्वार्टर पैनल तक पूरा गया हुआ है, तो जो क्रोम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल है यहाँ पे काफ़ी बेटर तरीके से हो रखा है। एंड काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको गाड़ी सनरूफ के लेनी होती है लेकिन उनको सनरूफ का भी शो ऑफ करना होता है, तो इसके मैं आपको रूफ में लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी सनरूफ है कंप्लीट अच्छे तरीके से विजिबल है इस तरीके से और पीछे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर में इसका शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। तो जो लुक है काफ़ी बेटर मिल रहा है, मतलब पूरा ड्यूल टोन फिनिशिंग का लुक है। अलॉय व्हील्स की हम बात करते हैं इसके, तो यहाँ पर हमें टॉप एंड में भी 16 इंच का सेटअप मिल रहा है और बस मेरे को यहीं खामियाजा लगा कि अगर 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते तो लुक बहुत बेटर मिल जाते हैं यहाँ पे। और थोड़ी
यहाँ पे गन मेटल टाइप की डिजाइनिंग रखी गई है, डिजाइनिंग मीन्स कलर यहाँ पे रखा गया है और स्पोक्स वाला है तो दिखने में तो काफ़ी बेटर लग रहा है। और जैसा कैलिपर है आपको सिल्वर कलर में मिल जाएगा, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। अगर मैं इसके साइज की बात करता हूँ तो इसमें आपको मिल जाता है 205/55R16 जो टायर का साइज है काफ़ी बेटर रखा गया है। C8 का सिक्योर ड्राइव हमें यहाँ पे टायर मिल रहा है तो कुल मिला के यहाँ पर जो टायर का जो सेटअप है काफ़ी बेटर है। लेकिन यह था कि 17 इंच का मिल जाता तो काफ़ी बेटर रहता, तो इस तरीके से पूरा सा कंप्लीट लुक मिल रहा है। और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड ही इसका फ्यूल टैंक का लीवर मिल जाएगा और इसके अंदर आपको मिलती है 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और इसको वन टाइप आप ओपन कर सकते हो इस तरीके से यहाँ पर। और इस कार में आपको कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ आपको ये गाड़ी पेट्रोल में ही देखने को मिलती है। तो साइड प्रोफाइल सब कंप्लीट अच्छे तरीके से लुक चेकआउट कर लो, काफ़ी बेटर इसका लुक मिल जा रहा है यहाँ पे हमें। अब हम बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। पीछे की लुक की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो पीछे का लुक भी काफ़ी शानदार रखा गया है। स्कोडा का लोगो यहाँ से रिमूव हो चुका है, स्कोडा यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा इस तरीके से और स्लाविया आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड जो आगे का लुक है, पीछे का लुक है, ये कंप्लीट आपको ऑक्टेविया और रैपिड जैसा मिलेगा यहाँ पे। और जो लुक है काफ़ी आपको बेटर मिल जाएगा। 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं तो जो टाइट पार्किंग भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट एड ऑन हो रखा बम्पर में और यहाँ पे इसके रिफ्लेक्टर इस तरीके से यहाँ पे नीचे रख रखे हैं और यहाँ पे आपको हनीक्रोम थोड़ा सा डिजाइनिंग मिल जाएगी इस तरीके से। बाकी अगर आप पीछे से भी एक बार चेक कर लो कि इसका जो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है कितना बेटर है, अगर पीछे आपने काफ़ी सामान रख रखा है और सेकंड रो में बहुत लोग बैठे हो तब भी गाड़ी जो पीछे से नीचे नहीं टकराएगी तो ये सबसे बेटर चीज़ है। कैमरा कुछ यहाँ पे इस तरीके से हाइड कर रखा है। बाकी अगर मैं इसके ऊपर की हाँ की बात करता हूँ तो काफ़ी स्ट्रेट यहाँ पे जगह है तो आराम से हमने सामान वामान करके यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को इन्जॉय वगैरह कर सकते हो। स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे मिल जाता है, पूरा यहाँ पे आपको डिफॉगर मिल जाएगा। तो जो लुक है कुछ इस तरीके से कंप्लीट बन रहा है पीछे का। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट को ओपन करने के 2 तरीके, या तो आप की से ओपन कर सकते हो या फिर यहाँ पे सेंसर आप प्रेस करके इस तरीके से ओपन कर सकते हो। और कार के अंदर दोस्तों आपको मिलती है 521 लीटर की बूट स्पेस, काफ़ी वाइड है, यहाँ पे हमारा काफ़ी सारा सामान फैला पड़ा है। एक बस को हम अरेंज कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं कि काफ़ी डीप इसके अंदर स्पेसिंग है, कोई भी आपका परेशानी नहीं होगी। और इसमें एक फर्स्ट इन क्लास फीचर भी एड ऑन हो रखा है, अगर आप पीछे देख पा रहे होंगे तो इसके अंदर आपको 60-40 स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि सेडान में पहली बार आ रहा है और ये आपको स्लाविया ही ला के दे रही है। तो प्रैक्टिकल फीचर्स के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि जो स्लाविया है ये थोड़ा सा आगे निकल जाती है वरना और सिटी से, क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं और इतनी बड़ी बूट स्पेस अभी तक कोई प्रोवाइडिंग करा रहा है। और नीचे आपको यहाँ पे लैंप भी मिल जाता है और पूरे कारपेट यहाँ पे अच्छे तरीके से बिछा हुआ है। और जो यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील है वो भी आपको सेम साइज़ का मिल जाएगा स्टील रिम में और वहाँ पे आपको सब वूफर के प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो कार के अंदर आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर और 1 सब वूफर मिल जाता है इस तरीके से। और उसकी जो भी आपको आवाज़ सुननी है वो आपको यहाँ से मिलेगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं जाली ऐसी आपको मिल रही है अंदर, यहाँ सबके सब वूफर की आवाज़ आएगी। तो जो कंप्लीट लुक है बूट का वो कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, काफ़ी बड़ी इसकी बूट है, इसको बंद करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो इस कार का एक्सटीरियर है और इसमें कितने कितने में फीचर्स मिल रहे हैं, क्या है क्या ये चीज़ें प्रोवाइड करा रही नहीं करा रही है, हमने हर एक चीज़ अच्छे से जान ली है। एंड जो लुक है मुझे थोड़े बहुत बेटर लगे हैं सिटी ऑफ वरना से, क्योंकि सिटी ऑफ वरना जो काफ़ी टाइम से चली हुई आ रही है उनके जो लुक हैं उतने ज़्यादा अब अच्छे नहीं लगते, थोड़े से आउटडेटिंग लगते हैं यहाँ पर मेरे को। और ये जो गाड़ी आई है इसमें इतने ज़्यादा कट्स एंड क्रीजेस हैं एंड जो लुक है वो मुझे थोड़े बेटर लग रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वरना एंड सिटी। अब हम चलते हैं इंटीरियर की तरफ को, देखते हैं कि उसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। इंटीरियर की दोस्तों हमें बात करते हैं तो इंटीरियर इसका बिल्कुल एज इट इज सेम है जैसा हमने पहले ब्लॉग में देखा था, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। जो भी यहाँ पे कलर्स वगैरह हमें डैशबोर्ड में मिल रहे थे सब कुछ आपको सेम मिलेगा। ड्यूल टोन में गाड़ी आती है, अगर मैं यहाँ पे डोर्स आपको शो करता हूँ इसके तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी और बीच कलर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। तो जो कलर्स हैं वो बेसिकली सब कुछ यहाँ पे सेम रखे गए हैं, उसमें कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करे गए हैं। पियानो ब्लैक कलर की फिनिशिंग आपको मिल जाती है और डोर अनलॉक करने में आपको क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ पे ऐड हो रखा है और हल्का सा आपको टेक्सचर भी मिल जाता है। डोर्स में बात करते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर हमें वन टच अप और वन टच डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा ड्राइवर साइड के लिए, बाकी सब हमें नॉर्मल सी मिलती है, उसमें हमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलते हैं। और ORV में फोल्ड अनफोल्ड एडजस्ट करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है। नीचे हमें स्टोरेज मिल जाती है वाटर बॉटल को रखने के लिए और यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भी इस तरीके से यहाँ पे रख सकते हैं, पीछे की तरफ काफ़ी स्पेसिंग है। नीचे आपको स्पीकर की प्लेस मिल जाती है यहाँ पर। स्टेयरिंग व्हील की यहाँ पे हम बात करते हैं तो राउंड वाला स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, पूरी यहाँ पे लेदर रैप की फिनिशिंग मिल जाती है और लेदर स्टिचिंग भी यहाँ पे अच्छे तरीके से हो रही है, तो फील जो है पकड़ने में वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। 2 स्पोक वाला मिलता है और यहाँ पर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाएगा इस तरीके से पूरा इसके बॉर्डर में और बीच में ग्लॉसी ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिलती है। यहाँ पर आप जितने भी कंट्रोल्स देख रहे हैं इससे आप इसके जो इंफोटेनमेंट है उससे कंट्रोल करोगे, वॉइस कमांड का बटन मिल जाता है और यहाँ से आप इसको चेंज वगैरह भी कर सकते हो ट्रैक को। और यहाँ पर आप जितने कंट्रोल देख रहे हो इसकी जो यहाँ पर MID है उसको कंट्रोल करोगे। क्रूज कंट्रोल का जो यहाँ पर बटन है वो आपको लेफ्ट साइड में मिलता है जहाँ से आप लाइट की बीम को भी एडजस्ट करते हो।
मीन्स आप हाई बीम लो बीम में स्विच करते हो, वहीं पर ही आपको क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इस साइड आपको इसके जो वाइपर्स है उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसके जो हेडलैम्प्स है दोस्तों, वहाँ का जो कंट्रोल है आपको इस तरीके से मिलता है हर जर्मन कार की तरह, और इसमें आपको ऑटो का भी फंक्शन मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, और फॉग लैम्प्स का ऑप्शन आगे पीछे दोनों साइड आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पूरी ग्लॉस ब्लैक कलर की फिनिशिंग मिल जाएगी, हल्का सा गोल्डन ट्रीटमेंट मिल जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पर ग्रेश और ब्लैक कलर की फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। एसी वैन का जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है एसी वैन का डिज़ाइन यहाँ पर। और नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है अपनी यहाँ पे पर्स वगैरह रखने के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर मैं इसके एडजस्टमेंट की बात करता हूँ तो इसके अंदर हमको दोस्तों टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों वाले ऑप्शन मिल जाते हैं, तो रीच की कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे सीटिंग कंफर्टेबिलिटी की। दोस्तों इसकी जो सीट्स है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पूरी लेदर पॉलिश में आपको मिलती है, ड्यूल टू फिनिशिंग में मिलती है, ब्लैक और हल्के सा ब्राउन कलर का फिनिशिंग मिल जाएगी। और वेंटिलेटेड सीट है, ड्राइवर की बात करूँ या फिर को ड्राइवर की बात करूँ, दोनों के लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। और ड्राइवर साइड आपको सीट हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से, तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे थाई सपोर्ट की बात करता हूँ तो थाई सपोर्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे, कोई ऐसी परेशानी यहाँ पे नहीं आ रही है। और नीचे आपको डेड पेडल का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो जो कंप्लीट कंफर्ट है यहाँ पे कंपनी ने आपका पूरा ध्यान रखा है। एक मैनुअल वेरिएंट में भी अगर आपको डेड पेडल मिल जा रहा है वो भी अच्छा खासा प्रॉपर डेड पेडल है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और बैक सपोर्ट की बात करता हूँ तो बैक सपोर्ट भी काफ़ी बेटर है, एक बार मैं हल्का से इसको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो जो बैक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, लोअर बैक में भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि सेडान हम लेते ही इसलिए हैं ताकि हम इसको लेके सीधे एक लंबे टूर में निकल जाएं। तो लंबे टूर की अगर बात करो तो अगर आप इसे 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के रन ले रहे हो तो लोअर बैक को आपकी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और ये प्रॉपर बकेट है तो आपकी जो पूरी बैक है उसको अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट मिलेगा। और अगर मैं हेड सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो भी काफ़ी बेटर है, इसमें कोई परेशानी नहीं आ रही है। और अगर यहाँ पे मैं हेडरूम स्पेस की बात करता हूँ तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। फ्रंट में दोस्तों अगर आपकी हाइट 6 से ज़्यादा है, लाइक 6'2" है, 6'3" है, 6'5" है, तब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। मेरी हाइट 5'11" है, मुझे यहाँ पे ऐसी कोई परेशानी नहीं आ रही है। दोस्तों बात करते हैं इसका MID की, लेकिन उससे पहले कार को एक बार ऑन करते हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्टार्ट स्टॉप बटन है हमें इस तरफ मिल जाता है, और जो प्लेसमेंट है थोड़ी सब्जेक्टिव रखी गई है, मेरे को तो पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो आ रखा हूँ मैनुअल वाली गाड़ी से आ रखा हूँ जिसमें की लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ पर बटन वाला जो ऑप्शन है मुझे काफ़ी बेटर लगा और थोड़ा अलग लगा यहाँ पे। लेकिन जो शिफ्ट हो रहे हैं किसी दूसरी कार से जिनमें स्टार्ट स्टॉप बटन पहले से, तो उनको थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि और गाड़ियों में बेसिकली आपको यहाँ पर इस साइड यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे भी है तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, मेरे को तो नहीं हो रही है। इसको एक बार ऑन करते हैं कार को यहाँ से, तो इस तरीके से इसकी पूरी MID यहाँ पे शो होती है। काफ़ी येलो टेक्सचर ज़्यादा रखा गया है यहाँ पर, एंड अगर आपको उसको चेंज करना है तो इसको आप चेंज भी कर सकते हो। उसके लिए आपको इस साइड जाना पड़ता है, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइक इसको मैं अगर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। इसको आप ऊपर नीचे करके इस तरीके से स्क्रॉल करके आप हर एक चीज़ यहाँ पे जान सकते हो, लाइक आपकी गाड़ी में एवरेज स्पीड कितनी है इस समय, और अगर आपको यहाँ पे जानना है कि कौन सा गाना प्ले हो रहा है उसमें जा सकते हो, अभी तक आप किससे बात कर रहे थे या किससे आपका फ़ोन कनेक्ट है वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको शो हो जाती हैं। और इसके अंदर मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है और अभी तक आपको आई बटन में ऊपर आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, उसमें हमने बहुत डिटेल में बात करी कि MID के बारे में, यहाँ पर इसके इन्फोटेनमेंट के बारे में। आपको मैं शो कर देता हूं कि इस तरीके से पूरा पैनल मिलता है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली शो कर देगा। एंड अगर मैं यहां पे सेफ्टी फीचर्स की बात करता हूं तो इस कार के अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, ड्राइवर के लिए मिल जाएगा, फ्रंट पैसेंजर के लिए मिल जाएगा, साइड कर्टेन से मिल जाते हैं, और सेफ्टी में गाड़ी ने कोई भी परेशानी नहीं कर रखी है। एनकैप रेटिंग का रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है इस गाड़ी की, शायद टेस्टिंग नहीं हुई है क्योंकि नई गाड़ी लॉन्च हुई है ये, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 5 स्टार बड़ी इजी निकाल लेगी गाड़ी, क्योंकि इसके अंदर आपको 6 एयरबैग्स मिल ही रहे हैं। ABS हो गया, EBD हो गया, ESP हो गया, ट्रैक्शन हो गया, जितने भी फीचर्स हैं सारे इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इवन अगर आप इसका ऑटोमेटिक वाला लोगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पे TBMS का भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके स्पेयर व्हील में भी आप TBMS का ऑप्शन मिल जाएगा। तो काफ़ी बेटर चीज़ है कि सेफ्टी के मामले में गाड़ी बिल्कुल भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। आपका पता है कि जो जर्मन कार इनकी जो बिल्ड होती है काफ़ी मजबूत होती है, इनकी अगर मैं प्लास्टिक एलिमेंट्स की बात करूँ या फिर कार की ओवरऑल बॉडी की बात करूँ तो काफ़ी मजबूत इनकी बिल्ड होती है। एंड यहाँ पर जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी काफ़ी हमें बेटर मिल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि शायद 5 स्टार रेटिंग का कार आराम से निकाली लेगी यहाँ पे। और अगर मैं सेंटर कंसोल की हमें बात करता हूँ, इन्फोटेनमेंट की बात करते हैं तो 10 इंच की डिस्प्ले मिल रही है टॉप एंड वेरिएंट्स में। अगर आप इसके लोअर एंड वाले वेरिएंट्स लोगे तो वहाँ पे आपको 7 इंच की डिस्प्ले मिल रही है, और ये वायरलेसली एंड्रॉयड और एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करती है, तो ये काफ़ी बेटर चीज़ है। और फीचर्स के तो सारे आपको मिल जाते हैं, उसके अलावा वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। और यहीं से आप इसके ट्रैक्शन को ऑन
इस तरीके से और ऑफ यहाँ से कर सकते हैं आप। और नीचे अगर आप देखेंगे इसका पूरा यहाँ पे एसी वैन का डिज़ाइन है, क्रोम ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कराया गया है और बीच में इसके हज़ार लाइट जिससे आपके चारों इंडिकेटर जल जाएंगे वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इसके यहाँ एसी की यहाँ पे बात करता तो मैं ऑटो एसी मिलता है, फुल टच वाला मिलेगा, कोई भी इसमें आपको डायल वगैरह नहीं मिलता कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ऑटो इस तरीके से, और यहाँ से ऑटो को टच करते एसी ऑन हो गया। अगर इसको बंद करना है तो काफ़ी सिंपल रहता है, आपको सही से टैप ऑन करते रहना है, थोड़ी देर आपको वेट करना है, फिर जैसे आप टैप करोगे ऑफ हो जाएगा। नीचे आपको दो टाइप सी का ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये बहुत बेटर चीज़ है कि जो गाड़ी है ये फ्यूचर प्रूफ हो गई है कि कल के दिन अगर आपके पास केबल टाइप सी वाली है तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। पूरी यहाँ पे रबर की पैडिंग मिलती है आपका फोन रखने के लिए, और ये कार के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको फोन यहाँ पर नहीं इस तरीके से यहाँ पर प्लेस करना होगा। आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप फोन रखेंगे तो इस तरीके से ये चार्ज होना यहाँ पे शुरू हो गया है, और यहाँ पे स्टार्ट आ जाएगा, लिखा हुआ वायरलेस चार्जिंग। मैं यहाँ पे स्टार्ट चार्जिंग में जाऊँगा, इस तरीके से चार्जिंग करना ये फ़ोन को स्टार्ट यहाँ पे कर देगा। तो काफ़ी बेटर चीज़ लगी मेरे को ये। और ये है इसका 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स जिसमें आपको रिवर्स भी मिल जाता है अलग से। और रिवर्स लगाने का तरीका हर जर्मन कार की तरह वही है कि पूरे लीवर को नीचे इस तरीके से प्रेस करो और यहाँ पर रिवर्स लगा दो। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कैमरा क्वालिटी पूरी नेचुरल लाइटनिंग में रखी गई है। हमने यहाँ पे आईएसओ को फिक्स कर लिया है अपने कैमरे के, तो आप बेटर तरीके से यहाँ पे समझ सकते हो कि क्वालिटी इसकी बहुत बेटर है। नेचुरल लाइटिंग में काफ़ी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, मतलब फुल एचडी क्वालिटी में कहूँगा। लेकिन बस इसमें एक ही फीचर हमको नहीं मिलता है कि ये हमको गाइडेंस के साथ ही मिलेगा। जैसे मैं इसके यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील रोटेट करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो लाइनिंग है ये बिल्कुल भी रोटेट नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीमियम सेडान में ये फीचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि गाड़ी का जो साइज़ है एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। डायमेंशन इसके सबसे फर्स्ट सेगमेंट सबसे बेटर आपको निकाल के चीज़ दे रही है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रही है। और कैमरा एंगल इसमें आपको चेंज करने का ऑप्शन कोई भी नहीं मिलेगा, फिक्स वाला आपको यहाँ पे कैमरा एंगल मिल जाता है। बाकी यहीं पर ही आपको काफ़ी ज़्यादा बटन्स मिल जाते हैं, लाइक डोर्स अगर आपको लॉक करना है तो आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा, डोर्स में वो सब चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। और आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, तो माइलेज आप इससे काफ़ी बेटर निकाल सकते हो। और अगर आपको को पैसेंजर का वेंटिलेटेड सीट का जो ऑप्शन है, मतलब वेंटिलेट करना है उसकी सीट को, तो आप यहाँ से उसको ऑन ऑफ कर सकते हो। और ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर ही ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी दो डमी बटन आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। कीज को रखने के लिए हमें बड़ी अच्छी सी जगह मिल जाती है, इस तरीके से यहाँ पर हमें कीज को प्लेस कर सकते हैं और काफ़ी बेटर है ये। दो छोटे कप होल्डर हमें इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कप होल्डर की गाड़ी के अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट साइड आपको दो बड़े बड़े कप होल्डर डोर्स में मिल जाते हैं, दो छोटे आपको यहाँ इस तरीके से मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात करना मैं चाहूँगा इसके आर्म रेस्ट की, तो यहाँ पर इसकी जो आर्म रेस्ट है वो काफ़ी बेटर मिल जाएगा, और पूरा आपको लेदर के साथ मिलता है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से, पूरी आपको लेदर की यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाएगी, काफ़ी ब्यूटीफुल सा मिलता है आपको। व्हाइट कलर की स्टिचिंग है, वो पूरा लेदर में मिलेगा, एडजस्टेबल भी है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और अगर आप इसे खोलोगे तो अंदर आपकी स्पेसिंग भी आपको अच्छी खासी मिल जाती है, थोड़ा वाइड है, थोड़ा डीप भी है, तो मैं सामान वगैरह यहाँ पर भी रख सकते हो, तो ये बहुत बेटर चीज़ है। और अगर मैं यहाँ पे इसके वैनिटी मिरर की बात करता हूँ, तो ड्राइवर साइड आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पे पैड मिलता है और एक आपको स्ट्रैप मिल जाएगा इस तरीके से। और जो पैड की यहाँ पे जो विड्थ तो काफ़ी बेटर है, तो सामने जो सनलाइट आएगी उसको भी बहुत ईजिली अच्छे तरीके से ब्लॉक कर सकता है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी कार के अंदर कि यहाँ पर आपको ड्राइवर साइड भी आपको इस तरीके से हैंडल वायर मिल जाता है, और ये फिक्स वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें ड्राइवर साइड ही मिल रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म में कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन कराया गया है। और अगर मैं इसके IRVM की बात करता हूँ तो ये हमें ऑटो डिमिंग वाला मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी बेटर है। और यहाँ से आपको मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, इस कार के अंदर दोस्तों जो इसका टॉप एंड वेरिएंट्स है इसके अंदर आपको यूवी कलर ग्लासेस मिल जाएंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते होगे कि इसमें आपको हल्का सा ग्रीन टिंट मिल रहा होगा, तो ये काफ़ी बेटर हो जाता है। जब हम गाड़ी को गर्मियों के टाइम पर यूज़ करते हैं तो उस समय गाड़ी हमारी इतनी जल्दी हीट नहीं होती, और हमारा जो AC है वो बहुत बेटर तरीके से यहाँ पर वर्क करता है, और गाड़ी की जो कूलिंग है बहुत जल्दी यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर जो बेसिकली यूवी ग्लासेस का इस्तेमाल हो रखा है, इसके वजह से जो कूलिंग है गर्मी के टाइम काफी बेटर होने वाली है। अब स्ट्रेट अवे बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, हम यहाँ पे तो इसके ग्लव बॉक्स के अंदर दोस्तों हमको काफी अच्छी स्पेसिंग मिल जाएगी, आप यहाँ पे अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। और इसके अंदर हमें कूल ग्लव बॉक्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बस लाइट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लाइट का ऑप्शन भी अगर मिल जाता तो काफ़ी बेटर रहता। और पियानो फिनिशिंग उसके ऊपर हमें इस तरीके से पूरी मिल जाती है। तो जो फ्रंट का डैशबोर्ड है दिखने में आपको काफ़ी बेटर मिलेगा, थोड़ी स्पेसिंग मिल जाएगी आपको यहाँ पे अपने टॉयज़ वगैरह रखने के लिए, या फिर आपको अगर आपको भगवान जी की मूर्ति रखनी है तो वो भी यहाँ पे रख सकते हो, तो उसके लिए सेपरेट प्लेस दी गई है। और मज़े की बात क्या है कि जो टेक्सचर यहाँ पे यूज़ हो रखा है वो टेक्सचर यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है, तो आपका जो डैशबोर्ड है वो भी यहाँ पे ख़राब नहीं होगा, और पूरा फ्लैट है, तो अपना सामान वगैरह यहाँ पे आराम से रख सकते हो। स्कॉडा की बैजिंग आपको इस तरीके से यहाँ पर भी मिल जाती है। तो जो फ्रंट का जो पैनल है कुछ इस तरीके से मिलेगा, और ट्विटर्स की जो प्लेसमेंट है इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी। बाकी अगर हम वैनिटी मिरर की बात करते हैं को ड्राइवर साइड, तो यहाँ पर आपको मिरर मिल जाता है इस तरीके से, और काफ़ी बेटर मिरर है दिखने में। जो साइज़ है इसका, जो चौड़ाई है, बहुत आपको अच्छी मिल जाती है, और बहुत प्रीमियम तरीके से उसके हमें प्लेस कराई है।
तो दोस्तों जो फ्रंट का जो लुक था, हमने हर एक चीज के बारे में अच्छे तरीके से बातचीत यहाँ पे कर ली है। बस एक चीज रह जाती है यहाँ पे इसके फ्रंट में लाइटिंग सेटअप और सनरूफ के बारे में। तो यहाँ पर हमें एलईडी लाइटिंग सेटअप मिलता है जिसका स्प्रे एक्चुअली में काफी ज्यादा बेटर है, और यहाँ पर आप इसका ऑन ऑफ भी इस तरीके से कर सकते हो आराम से। और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसकी सनरूफ को ओपन और क्लोज करने के लिए। अभी फिलहाल हमने इसको ओपन ही रख रखा है क्योंकि अंदर थोड़ी लाइटनिंग की इशू आ रहा था। इसको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, बहुत ईजी से क्लोज करना, वन टैप इसे आप क्लोज कर सकते हो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे बस खराब चीज ये है कि इसका जो ये पैड है ये ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता, ओपन तो हो जाता है, इसको आप क्लोज आपको कुछ इस तरीके से खुद ही यहाँ पे करना पड़ेगा। फिलहाल इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। और मुझे आपको एक और चीज शो करनी है कि कार के अंदर जो म्यूजिक सिस्टम है आपको काफी बेटर मिल रहा है। लाइक आपको चार स्पीकर मिल रहे हैं, दो कंपोनेंट मिल रहे हैं, एक आपको सबवूफर मिल रहा है। तो उसके लिए हमें कार के अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड एम्प मिल जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो आपको मिलेगा को ड्राइवर साइड इस तरीके से। आप यहाँ पे चेकआउट कर लो, पूरे एम्प की प्लेसमेंट दे रखी है। तो काफी बेटर चीज है कि हमें आफ्टर मार्केट कोई भी यहाँ पे काम नहीं कराना है। क्वालिटी जो स्पीकर की वो काफी बेटर रहने वाली है। मैं इंस्टाग्राम में इसको बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो प्लीज आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, YAVI2020 डालो इंस्टाग्राम में, आपको उसका म्यूजिक क्वालिटी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो बात करते हैं फटाफट पीछे की सीट्स की, देखते हैं हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और जो सीटिंग कंफर्ट है वो कितना बेटर है। पीछे की सीट की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे को काफी अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है। एंड जैसा आपको पता है कि कार का जो व्हील बेस है अपने सेगमेंट में सबसे बेटर है, तो वो चीज आपको सच में यहाँ पे रियलाइज होगी। आप देख सकते हो कि जो सीट आगे की मेरे हिसाब से एडजस्ट करी गई है, मेरे को कितनी अच्छी यहाँ पे लेगरूम स्पेसिंग मिल जा रही है। अगर मैं थोड़ा यहाँ पे बहुत रिक्लाइन होगी इस तरीके से बैठ जाता तब भी आप देख लो कि मुझे कितनी अच्छी यहाँ पे लेगरूम स्पेस मिल जा रहा है। और बैक सपोर्ट, थाई सपोर्ट और हेड सपोर्ट वैसा ही है जैसा आपको फ्रंट में मिलता है। अगर यहाँ पे मैं हेडरूम स्पेस की बात करूँ तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इनफ अमाउंट में नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको हेडरूम स्पेस यहाँ पे बेटर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जब आपको इतना अच्छा यहाँ पे लेगरूम स्पेस मिला, अगर आप थोड़ा सा रिक्लाइन होकर बैठोगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाती है। तो जिनकी हाइट 6'3", 6'4", 6'5" काफ़ी ज़्यादा, अगर उनको यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील होगा तो वो थोड़ा सा रिक्लाइन होकर यहाँ पे बैठ सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। सेंटर में आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको एसी वैन मिल जाता है ग्लॉसी ब्लैक कलर की, इस तरीके से फिनिशिंग में यहाँ पे पूरा चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं फोन को चार्ज करने के लिए, एंड वो भी आपको टाइप सी वाले मिलते हैं। बीच में आपको बीम मिल जाती है। एंड सेंटर का जो यहाँ पे सीटिंग कंफर्ट है वो आपको बेटर नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे पीछे से अच्छा खासा ये हम्प जैसा बाहर को निकल रखा है। तो और हेडरूम भी आपको उतना बेटर नहीं मिलेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप बच्चों को बैठाओगे तो वो अच्छे तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे। एंड जो बड़े लोग हैं वो सीटी राइड्स के दौरान काफ़ी बेटर यहाँ पे फील करेंगे। अगर मैं इसको दिखाता हूँ तो इसके अंदर भी आपको दो छोटे कप होल्डर मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि पीछे भी हमें कप होल्डर का ऑप्शन मिल जा रहा है। और जैसा मैं आपको बाहर बता रहा था बूट स्पेस चेक कराते वक्त कि इस कार के अंदर हमें फर्स्ट इन सेगमेंट एक और ऐसा फीचर मिलता है जो सेडान में पहली बार आ रहा है, एंड स्लाविया में ही वो चीज़ आई है कि इस कार के अंदर में 60-40 ऑप्शन मिलता है। वो उसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आपको प्रेस करना है और इस तरीके से चेकआउट करो कि 60-40 के इसके अंदर हमें ऑप्शन मिल जाता है। और ये बहुत बेटर चीज़ है कि हम अपनी बूट को यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे बेटर चीज़ मुझे सेडान के अंदर यही लगी है। डोर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो डोर्स के अंदर हमें काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक हमें स्पीकर का ऑप्शन मिल जाएगा और पीछे भी हमें बड़ी वाटर बोतल रखने की जगह मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे हम रख सकते हैं अपने। और पीछे पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। जो विंडोज़ है पूरी नीचे तक रोल डाउन हो जाती है, तो काफ़ी बेटर चीज़ है ये। और क्रोम ट्रीटमेंट का सामान यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हो खाली ट्विटर की आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, ट्विटर यहाँ पर नहीं मिलेगा इसके अंदर। ट्विटर आपको इसमें आफ्टर मार्केट कंपनी से फिट यहाँ पर करा सकते हैं। तो ओवरऑल जो इंटीरियर था यहाँ पर इसका चेकआउट अच्छे से कर लिया है। तो दोस्तों हमने इस व्लॉग में अच्छे से आपको बता दिया कि जो कार का एक्सटीरियर है उसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, कार का लुक कैसा है। और अगर मैं आपको ओपिनियन देता हूँ एक्सटर्नल बॉडी को देखते हुए, मतलब एक्सटर्नल को देखते हुए पूरे पार्ट को, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कार है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेटर लुक प्रोवाइड करा रही है सिटी ऑफ वरना से। लेकिन फिर भी जो सिटी उसकी क्लास एक अलग है, लेकिन इसकी जो क्लास है वो भी आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी। काफ़ी आपको अच्छा लुक मिल जा रहा है इसमें और काफ़ी लंबी है गाड़ी, ऐसा हमने जाना था। और इंटीरियर की बात करता हूँ तो वहाँ पर गाड़ी सुपर डुपर कम्फर्टेबल है। अगर आप कम्फर्टेबिलिटी के हिसाब से गाड़ी देखना चाह रहे हो, इसके अंदर आपको स्पेस अच्छी मिल जाए और अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाए, जर्मन का आपको भरोसा मिले, तो आप इस कार के अंदर अच्छे से जा सकते हो। इसका जो प्राइसिंग है अभी यहाँ पर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन देहरादून में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है, तो आप DPM स्कॉडा में आ सकते हो। और बाकी अगर जैसे इसकी प्राइसिंग आएगी तो उसका हम जो लिंक है, मतलब उस प्राइसिंग का जो पूरा पूरा यहाँ पे चीज़ रहेगी, उसको हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे और कमेंट में हम उसको पिन कर देंगे, बाकी इंस्टाग्राम में भी हम इसको डाल देंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही है। एंड अगर आपको इस कार की म्यूजिक क्वालिटी जाननी है स्टॉक, तो आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दो क्योंकि हम इसी टाइप से नई नई गाड़ियों का रिव्यू यहाँ पे करते रहते हैं। तो बस दोस्तों आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के संग, ऐसी नई अच्छी कार के संग। तो बस जय हिंद, वंदे मातरम।